और आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो चखा है उस मजे को, उस शासन को देखा है। बहन कुमारी मायावती का शासन तो आप लोगों ने देखा है। जितने काम मैं छाती ठोक के कहता हूँ, इस देश में जितने काम बहन कुमारी मायावती ने करे हैं, ना तो कोई आगे आगे कर सकता ना किसी ने करे सत्ता में रह के। लेकिन आजकल के जो नए नए जो है ना, वो कह रहे ना भाई मंजीत महाराज देख देख के सारे गाने गाने लग गए है ना, तो बाथरूम सिंगर बहुत हो रहे हैं, एक्टिविस्ट मेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं समाज में कि मैं काशीराम का बेटा हूँ, मैं ये करूंगा, मूछों पे ताव देते हैं। अरे भाई बिना मूछ वाले बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, अम्बेडकर ने मूछ नहीं दी, काशीराम जी का भी मूछ ना रखा दो अभी। और जिस देश में तुम्हारी बहन बेटी का रोज बलात्कार होता है, वहां तुम मूछ ताने कैसे घूम सकते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इस देश में ऐसी व्यवस्था को जन्म दो कि आने वाली हमारी बहन बेटियां, जैसे बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, पूरे देश में हमारी बहने पदों पर जाए, बड़े बड़े आईएएस अफसर बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने और इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी बने। ये ऐसा काम करो आप लोग। हम लोग तो चाहते हैं बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहन जी के जो आसपास लोग हैं वो नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते। खेत में जब बाढ़ खाने लग जाए ना, ये समझ में आते हैं, हरियाणा की समझ में आते हैं, खेत को जब बाढ़ खाने लग जाए, जब रक्षक ही रक्षक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो बहन जी के आसपास जो चौकड़ी बैठी है, जो ये लोग बैठे जम के, इन्होंने बहन जी का सत्यानाश कर दिया यूपी में। आप लोगों ने देखा एक सीट आई, वो भी मेरे ख्याल भाजपा पूछ गया नहीं, भाजपा पता नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, हम लोग समाज को तैयार करें। माननीय काशीराम जी का जो सपना था वो पूरा हुआ इस चुनाव में। नेता बिके समाज नहीं बिका, नेता अकेले छोड़ दिए समाज ने। जिस दिन आप लोग ना बिकने वाला समाज पैदा कर लोगे, उस दिन ना बिकने वाला नेता भी आप में से निकलेगा, आप लोगों में से निकलना सब कुछ। और ये जो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बात याद आती है, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई नेता बेईमान नहीं है, ये जनता बेईमान है, क्योंकि जनता में से नेता आता है। चिल्ले छुड़े छोड़े पहले कहा था, बुढ़े तो दादा काम में लिख के मंत्री बन गया। आप लोगों में से आया हूं, मैं भी ऐसे ही परिवार से हूं, बहुत छोटे से परिवार से हूं। कैसे आए आप लोगों से बीच में से आए, पढ़ लिख के बैरिस्टर बने, वकालत में गए, फिर जो है राजनीति में लग गए। आपके बीच में से आने लोग, जैसे आप लोग पैदा करोगे ईमानदार लोग पैदा करोगे, ईमानदार लोग आएंगे। माननीय काशीराम जी के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने ईमानदारी से मिशन के काम को आगे बढ़ाया। सब लोग बस ताक में बैठे हैं कि कैसे चंदा खाया जाए बहुजन समाज के लोगों का, क्योंकि बड़ा चमार समाज इतना ईमानदार है। मुझे याद आती है कैथल की एक बात, कुरुक्षेत्र में एक सभा थी, उसमें हमारे साथ सोनू भाई भी थे, यही प्रदेश उपाध्यक्ष आर पी आई पार्टी के, मंजीत मेहरा जी भी थे, गिन्नी माई बहुत सारे, तो महाराज नितिन अम्बेडकर जी आए हुए थे। वो 40 डिग्री 45 डिग्री में कोट पैंट पहन रहते हैं, कमाल का आदमी है। तो वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब विदेश जाने का मन करता अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। चमारा ना आप सोच नहीं सकते, दुनिया भर के नोट इकट्ठे करके दे दी। तो आज तक वो महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए, जहाँ ज्योतिबा फुले ही पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए, साहू जी महाराज भी हुए, कितने महान पुरुष वहां पैदा हुए, लेकिन वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए। करा किसने, करा किसने? उस पंजाब की धरती पे एक चमारों का छोरा पैदा होता है माननीय काशीराम, और पूरे देश में घूमता है, साइकिल यात्रा करता है, और उत्तर प्रदेश में एक चमारा की छोरी उसकी गेला लगती है और इस सूबे की सबसे बड़े सूबे की प्रधान मुख्यमंत्री बनती है। इन लोगों ने किया काम, बहन जी असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर की, माननीय साहब काशीराम थे असली उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर के। अरे अम्बेडकर किसी एक का नहीं है, अम्बेडकर इस दुनिया के हर उस व्यक्ति का है जो तथागत बुद्ध के विचारों में उनके आदर्शों में भरोसा रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है, इस दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानियत पसंद कोई व्यक्ति पैदा हुआ बुद्ध के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और जब चमारों की बात कर चल रही तो काशीराम जी की बात कहते थे कि तीन तरह के चमार होते हैं मंजित भाई, एक होता चमार किल्ली, चमार किल्ली कदे लखनऊ कदे दिल्ली है ना, एक होता चमार किट, कहीं चले जाओ वहीं फिट, अभी अशोक तोड़ वहां आम आदमी पार्टी में फिट होगा है ना, और एक होता चमार हमारा, चमार हमार वो चमार यहां बैठे जो हमारे भाई मिशन के हैं। ये मिशन को नहीं लेंगे, गद्दार आएंगे पैदा होंगे जाएंगे, लेकिन जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को समझते हैं, जो लोग मानवर साहब काशीराम को समझते हैं, वो कभी मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये चुनाव के परिणामों से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को,
और मैं तो कहता हूँ, और मैं एक काम करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूं, अब ये लोग लगे हुए ना कहते ताजमहल की बात ले काट के, कहते कुतुब मीनार ने ठाके ले कहा है। अरे कुतुब मीनार ताजमहल ना तो मुगलों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का, ना किसी देश की धरोहर है वो। मैं कहता हूँ, मैं एक RTI और एक PIL डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि इस देश के जो मठ है ना, ये चार धाम बड़ा बैठे रखे, इनकी मूर्तियां दिखाओ, तथागत बुद्ध की है मूर्तियां सारी। तिरुपति बालाजी की मूर्ति दिखाओ, तथागत बुद्ध की मूर्ति है वो। मुकदमा कर दो, मुझे डर नहीं लगता, जेल में डाल दो, डर नहीं लगता, क्योंकि समाज का काम करते करते आप लोग मरोगे तो समाज आपको मरने के बाद भी याद रखेगा। और मैं कहता हूँ पूरे देश में डालो ये PIL, ये सारे बौद्धिस्ट मठों पे कब्जा कर रखा है, आतंकवादी लोग हैं ये जो RSS में BJP में बैठे हैं ये लोग, आप इनको हल्के मत लेना। और जो लोग इनको वोट करते हैं, हमारे समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बहुजन समाज का, वही मनीषा वाल्मीकि का बलात्कारी है, वही गुहाड़ा कांड में हमारे घरों को जलाने का जिम्मेदार है। ये जो जितने भी लोग इन दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं की वजह से इनका साहस बढ़ता है। अभी एक पत्रकार बैठे भाई हमारे बीच में, इन्होंने कहा कि मायावती के राज में ये चीजें नहीं होती थी, मगर मायावती के राज में होती होगी, लेकिन एक्शन होता था शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले जो अपराधी था वो जेल में चला जाता था। अगर कानून अपना काम करे तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ठीक बात के लिए भी इस देश में लड़ना पड़ता है। ये विडंबना है इस देश की, हमें अपने हक और अधिकार जो हमें मिलने चाहिए इस देश के संविधान के तहत, उनके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, हमारे लोगों को रोज मारा जाता है। तो हमें इस तरह की व्यवस्था का खंडन करना चाहिए। और जो मेरी माताएं बहनें हैं, मैं इनसे विशेष कर अपील करूंगा कि किसी भी परिवार को एक औरत ही बचा सकती है, क्योंकि औरत एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा त्याग की मूर्ति है, त्याग करती है। अगर माँ रमाबाई त्याग नहीं करती तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बढ़ पाते। जितना बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है, उतना ही माँ रमाबाई का है। जितना बड़ा त्याग ज्योतिबा फुले का है, उतना ही सावित्रीबाई फुले का त्याग है। और महिला जो है ना, महिला, ये जो आदमी भाई ने कहा कि श्रृंगार करती है महिलाएं, वहां जाती है, पार्लर में जाती है, ये जो चीजें है ना जो आप लोग श्रृंगार करते हो, ये श्रृंगार करने की चीजें नहीं है, ये तो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का तरीका है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो कहते हैं राजा मैंने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, कहते हैं ना दो आदमी जब लड़ते होते राजा भाई मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो चूड़ियां जो है वो प्रतीक है गुलामी का। तो जब तक आप लोग पूर्ण रूप से ये चीजें नहीं छोड़ोगे, इनको नहीं त्याग करोगे, तब तक आप लोग ताकतवर नहीं हो सकते। आज हमारी जो बहन बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, जो प्रोफेसर्स हैं उनको देख लो, और आप हमारी जो दादी थी, चाची थी, ताई थी, उनको देख लो, उनकी सोच में कितना फर्क है। तो सारी गुलामी का कारण ये दिमाग है। आप इसको अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के उनके जैसा बनाओगे तो मुक्ति के रास्ते बहुत है भाई। कोई देवी देवता हमारी गाड़ी का पंचर नहीं कर पाता है ना। हम रोज इनको जो है ना, अभी आपने मंजीत भाई ने ही बताया भाई, इन्हें नहीं पूछते, हम तो बाबा साहब के फैन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी टैबलेट है, उसके खाने के बाद ये सारे भूत प्रेत, ये जितने इनके आतंकवादी हैं, जो चरित्रहीन, जो इन्होंने भगवान बना रखे हैं, ये सब भाग जाते हैं। तो ये सारे भाग जाते हैं। और संविधान आप लोग पल्ले गांठ मार लो, इस दुनिया का सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई धर्म है, अगर कोई किताब है, अगर कोई पुराण है, अगर कोई गीता और कुरान है, तो इस देश का संविधान है। ये संविधान ही है जो आपको बचाता है। क्योंकि आज ना आप लोगों से मैं लड़ने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने यूपी में जो किया वो बहुत ही शर्मनाक काम किया। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, उसका जो आप लोगों ने किया वो बहुत गलत किया। चलो खैर, वो राजनीति की बात है, कुछ राजनीतिक कर्म भी ऐसे होते हैं जिसके आगे आते हैं। बाकी संदीप भाई जितने आ रहे हैं ना, इनने तो ठोक कर वोट दिया, पर जो घर पड़े हैं वो नालायक आदमी है। तो ये रिश्तेदार का निधवा भाई ना, हमारे यहाँ एक हरियाणा में मान सिंह मनेडा जी थे, वो एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना, साला ने अपने जीजाई बात जरूर मानता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने साले को समझाओ, फिर वो अपने साले को समझाए,
फिर वो अपने साले को समझाए और जब सारे साले समझ जाएंगे तो साला योगी जो है ना अपने मठ में चला जाएगा, इसकी औकात नहीं है। तो आज का जो विषय है बहुत ही हर्ष वाला विषय है, ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जहाँ मंच पे जो कलाकार बैठे हैं मैं सबके नाम नहीं जानता लेकिन पूरी दुनिया इन लोगों को जानती है। हरमनजीत मेहरा तो एक ऐसा ब्रांड है जिसने इस देश में अम्बेडकरवाद की आंधी लाया और नए नए दुनिया भर के बालक पैदा कर दिए। दिव्या बेबे बैठी, इन्हें कितना बढ़िया गाना गया, नए नए बच्चों को चांस देता है और उनको लिख के देता, नहीं तो लोग जो है ना आज भीख मांगने की लाइन में भी आगे करते किसी ने सुनता के खुद खड़े जाए। तो बहुत ही बड़ा योगदान है इन कलाकारों का, क्योंकि जो बात नेता अपने भाषण से आप तक नहीं पहुंचा पाते ना, ये कलाकार आपके कानों से सीधे दिल में उतर जाते हैं और आपको आराम से समझा जाते हैं। तो संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत बहुत बड़ी चीज है, संगीत के माध्यम से आपकी मानसिक बीमारी भी ठीक हो सकती है और आपको समझाया भी जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि मैं एक बात ऐसा कहता हूँ कि बड़े गजब की कौम है चमार इस धरती पे, जो लड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जो सिपाही हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, जो लड़े हैं इस भारत के संविधान के लिए और जिन्होंने हमेशा आज्ञा होकर के इस मिशन और मूवमेंट को बचाने का काम किया है, बड़ी गजब की कौम है। लोग चिढ़ते हैं मुझे, कहते संदीप भाई आप चमारों की बड़ी पैरवी करते हो, मगर चमारों की पैरवी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चमार बाबा साहब अम्बेडकर की पैरवी करते हैं, वो मान्यवर साहब काशीराम की पैरवी करते हैं, वो इस देश के संविधान की पैरवी करते हैं और एक चमार ऐसी बिरादरी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अम्बेडकरवाद का डंका बजवा रखा है। विदेशों में भी जयंती निकलते रविदास महाराज की, और रविदास महाराज क्रांतिकारी संत थे, वो मन चंगा कटौती में गंगा वाले थे, तो गरीब ताऊ बैठा था ना भारत माता की जय लगा लड़ता है, इन्हें लोग तो लगाई बना दिए भारत। तो ऐसे लोग भी हैं जो मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसा कुछ नहीं था, संत रविदास क्रांतिकारी संत थे और वो भी वही चाहते थे जो बुद्ध चाहते थे, वो वही चाहते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो वही चाहते थे जो माननीय काशीराम चाहते थे, और हम सब यही चाहते हैं जो यहाँ लोग आ जाए ना, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। वो एक कलाकार ने बुलाया था, पता नहीं वो इसलिए नाटक कैलाश खेर के चमारे हुआ प्रोग्राम है, दलितों का प्रोग्राम है, वो आए नहीं, मगर भाई मारे तरह हमारा कैलाश खेर है मनजीत में रही, अपने आप संभाल लेगा समाज के लोगों ने। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, और इन लोगों के घर ना आपके इनाम के पैसों से चलते हैं, ये कोई बैरिस्टर नहीं लग रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, जो आप लोग इनको थोड़ा बहुत देते हो उससे इनका घर चलता है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, कभी बीजेपी और कांग्रेस के मंच पर नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने लोगों का सहयोग करा करो, ये जितनी मेरी भाड़ बैठी है भाड़ को कर से लड़ा होता ना तो मेरा भी उन्हें कित कित काट के पीछे देती ले और रात आग के गीत गाता उन्हें देती है, तो सारी भाड़ 100-100 रुपये ले रही हो, आज खड़े करो जिधर 200 रुपये घर तक पीछे नहीं लाए, आज खड़े करो 100-100 रुपये निधर उधर है, खड़े करो जीत जिधर है इकट्ठे कर लो एक नहीं, अरे ने दे दिए भाइया ने, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, थोड़ी भूमिका सी बढ़ गई है ना, हमारे बीच में भाई नागपाल जी आए हैं, बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, सुजीत सम्राट जी भी आएंगे, वो भी हमारे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं भी पेशे से वकील था लेकिन मैंने एक वाक्य पढ़ा साहब काशीराम का और आज उसको पोस्ट भी किया। एक वकील था चौहान चौहान करके, माननीय काशीराम जी से वो मिलते हैं तो साहब काशीराम उसको कहते हैं कि भाई वकालत छोड़ दो और समाज का काम करो। तो उसने कहा कि साहब समाज का काम तो हम वैसे भी करते रहते हैं बाम सेफ के माध्यम से, वकालत छोड़ देंगे, वकालत अच्छी चल रही है हमारी, हम चाहते हैं कि इस देश के अच्छे बड़े वकील बने। तो जब साहब काशीराम ने कहा कि जहाँ जिस देश में हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत बेहरू होती हो, हर जगह खेत में खलिहान में शहरों में गांव में, और जहाँ हमारे नौजवान वो मारा जा रहा हो, वहाँ तो बड़े वकील तो बन जाओगे, अपना बड़ा घर मकान तो बना लोगे लेकिन समाज को लूटते पीटते आप अपनी आंखों से देखोगे। तो उस आदमी की वो बात समझ में आई और उसने इस्तीफा दे दिया, और फिर जब साहब काशीराम की सरकार बनी तो उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया साहब काशीराम ने, और जब वो शपथ ले रहा था तो रो रहा था। तो ये जो सत्ता है ये बहुत बड़ी ताकत है।